राजकीय अमृतकूट चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की 58वीं बैठक बुधवार को एमसीएच विंग के सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम कैलाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता एवं विधायक शंकर सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक में गत बैठक अनुमोदन सहित चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा उन्हें पारित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से चिकित्सालय परिसर की चार दीवारी कराने सहित चिरंजीवी योजना में मिले बजट के उपयोग को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बैठक में एमआरएस सचिव डॉक्टर टीसी गगरानी ने प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। बैठक में मुख्य रूप से चिकित्सालय परिसर की चार दीवारी करने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। प्रस्ताव में बताया गया कि उक्त परिसर की चार दीवारी के लिए तकरीबन 50 लाख का तकमीना प्राप्त हुआ है, जिसके लिए विधायक रावत से बजट की मांग की गई, जिस पर विधायक रावत ने बताया कि पहले चिकित्सालय की जमीन को प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, उसके बाद जो भी बजट चाहिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बैठक में एमसीएच के समीप बने पावर हाउस की शेडिंग, फर्श तारबंदी करवाए जाने, गायनिक, मुख्य ओटी, ईएनटी में उपकरण खरीद के लिए बजट के प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा बंद एवं निर्माण कार्य के चलते क्षतिग्रस्त हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की मरम्मत करवाने आदि के लिए भी बजट मांगा गया। ऐसे में एमआरएस के सदस्य नरेंद्र जयसवानी एवं शैलेश शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि एकेच की चिरंजीवी योजना में बजट मिला है, जिनसे मैन पावर में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे में उपकरण खरीद एवं निर्माण आदि कार्यों में पर उसे खर्च किया जाकर उपयोग किया जाना चाहिए, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई एवं विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े निर्माण, मरम्मत एवं उपकरण खरीद आदि के प्रस्तावों में रखे गए बजट को चिरंजीवी योजना के बजट से लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में एमआरएस से लगे कार्मिकों का वेतन 5% बढ़ाते हुए प्रत्येक माह की 5 तारीख को तनख्वाह दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान एक हाईमास्ट लाइट नगर परिषद के व्यय से लगवाने को लेकर चर्चा की गई, जिस पर परिषद के अधिकारी दमयंती जयपाल ने जल्द ही लाइट लगवाने जाने की स्वीकृति देने की बात कही। इस प्रकार बैठक में एमआरएस की आय को बढ़ोतरी की लोग सभी विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिसमें बीएनके की दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं यहां संचालित आईवीएफ सेंटर को भी किराए के लिए नोटिस दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी मृदु सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर अमित सोनी, उप नियंत्रक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।